बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे सब्जी बनाने की बहुत ही बेहतरीन और यूनिक सी बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे भिंडी और पालक से बड़ी ही मजेदार और शानदार सी रेसिपी। भिंडी पालक की ये रेसिपी इतनी यूनिक है, जो भी खाएगा आपके गीत गाएगा। जरूरी नहीं कि इस महंगाई के मौसम में सब्जियां, चिकन, मटन, गोश्त और मछली से ही रेसिपीज अच्छी बनाई जाए। आप सब्जियों को डिफरेंट तरीके से घर में ट्राई किया करें, इंशाल्लाह ताला सब्जियां भी इतनी मजेदार और यूनिक बनती हैं कि सब्जियां खाते खाते बंदा चिकन, मटन, गोश्त खाना भूल जाए। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने जरूर घर में ट्राई करनी है। बड़ी आसान और सादा सी बनती है, लेकिन कमाल की बनती है। तो चले जनाब, फटाफट से चलते हैं किचन में और देख लेते हैं भिंडी और पालक की ये बेहतरीन सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं आज की ये मजेदार भिंडी पालक की सब्जी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ली है 1 किलो पालक। पालक को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया। धो लेने के बाद बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक मैंने पालक को काट लिया। लेकिन पालक को आपने खुले से बर्तन में 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो लेना है। अब एक बात आप ध्यान से सुन लें, सबसे पहले हमने पालक को अच्छी तरह से उबालना है। 3 जवे आपने पालक में लहसुन के डाल देने हैं। इससे क्या होगा कि पालक के अंदर एक बड़ा प्यारा सा लहसुन का टेस्ट आएगा, जो हमारी सब्जी के फ्लेवर को 4 चांद लगा देगा। और साथ में जनाब इसके डालेंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर का। ये दोनों चीजें डाल के आपने पालक को तकरीबन गर्म पानी के अंदर 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है। उबाल लेने के बाद आपने पालक को मोटा मोटा सा पीस लेना है या ग्राइंड कर लेना है। और पालक के साथ यहाँ पे है मेरे पास तकरीबन 1/2 किलो भिंडी। भिंडी भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से काट के, काटने से पहले भिंडी को भी आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने भिंडी को इस तरीके से काट लेना है, ना ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा छोटी। भिंडी पालक की ये सब्जी इंतहाई लजीज, शानदार और मजेदार बनती है। एक दफा जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आ जाएगा। तो चलें जनाब, अब ये मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने भिंडी को फ्राई करना है, जिसके लिए आपने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ले लेना है। और कुकिंग ऑयल को आपने अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद इसमें जो हमारी फ्रेश सी भिंडियां हैं ये डाल देनी है। सबसे पहले हम भिंडियों को फ्राई करेंगे ताकि भिंडियों के अंदर जो एक लेस होती है, लेसलापन सा होता है, वो खत्म हो जाए। भिंडियों को हमने फ्राई करना है 7 से 8 मिनट के लिए। लेकिन आग का फ्लेम हमने बिल्कुल लो टू मीडियम सा रखना है। आग का फ्लेम हम हाई क्यों नहीं करेंगे, ताकि भिंडियां हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएं और भिंडियों का जनाब कलर भी खराब ना हो। तो माशाल्लाह बेहतरीन, सिर्फ 7 मिनट के लिए ऑयल के अंदर हमने अपनी भिंडियों को फ्राई किया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से भिंडियां फ्राई होके भिंडियों के अंदर जो लेस होती है ना, वो खत्म हो गई है। अब आपने भिंडियां ऑयल के अंदर से निकाल के अच्छी तरह से निचोड़ लेनी है। इसके बाद भिंडियों और पालक के लिए एक शानदार सा शाइनी ग्रेवी वाला मसाला तैयार करेंगे। तो चलें जी, अब इसी ऑयल के अंदर हम लोग डालेंगे प्याज। 2 से 3 प्याज आपने ले लेने हैं और प्याज को आपने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से ऐसे फाइन चॉप कर लेना है। अगर आपके घर में चॉपर अवेलेबल नहीं है जनाब, तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आपने प्याज को अपने खूबसूरत हाथों के साथ बिल्कुल बारीक बारीक सा फाइन सा काट लेना है। प्याज को आपने ऐसे अच्छी तरह ऑयल के अंदर एक दफा मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे आपने आग का फ्लेम हाई कर दिया है, ताकि प्याज हमारे जल्दी से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। लेकिन उससे पहले प्याज के अंदर 2 चीजें आपने लाजमी शामिल करनी है। 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके साथ ही जनाब सिर्फ 1 चुटकी अजवाइन के दाने भी इस्तेमाल करूंगा। अजवाइन के दाने इस्तेमाल करने से हमारी सब्जी का टेस्ट बढ़ने के साथ साथ अजवाइन के बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सब्जियों में वक्तन फवक्तन अजवाइन का लाजमी इस्तेमाल करते रहा करें। अब हमने प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। तो माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट हमने प्याज को पकाया है। माशाल्लाह प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर एक स्पेशल पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट जनाब आपने किस चीज से बनाना है, टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च, जितना भी आप घर में रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीजें आपने ले लेनी है।
थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है और इस तरह से एक स्मूथ सा आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमने टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च को बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि तमाम चीजों का कच्चापन खत्म होने के साथ साथ प्यारा सा एक फ्लेवर भी आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। आप देख सकते हैं बड़ा स्मूथ सा एक शानदार मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे जनाब पालक, जिसको हमने अच्छे से उबाल लिया था। उबाल लेने के बाद इसको मोटा मोटा ऐसे पीस लिया था। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पालक को आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। जैसे हम चटनी वगैरह घर में कूटते हैं ना, इसी तरीके से आपने पालक को ग्राइंड कर लेना है या घोटने की मदद से आपने घोट लेना है। पालक को 1 मिनट के लिए सिर्फ मसाले के अंदर पका लेंगे ताकि मसाले का सारा टेस्ट पालक के अंदर आ जाए, लेकिन नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा रहेगा। यहाँ पे इसके साथ कुछ मिर्च मसाले और स्पेशल चीजें भी जाएंगी। सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच दही। इससे क्या होगा कि पालक और भिंडी की सब्जी के अंदर एक मजेदार सा फ्लेवर आने के साथ साथ कलर भी बड़ा प्यारा सा आएगा। मिर्च मसालों में सिर्फ बेसिक चीजें इस्तेमाल करूंगा। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा हसबे जरूरत और थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जब हमने पालक को उबाला था ना, इसके अंदर हमने लहसुन और हल्दी पाउडर शामिल किया था। टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देता हूँ मैं, 1 टीस्पून का इस्तेमाल करूंगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया पिसा हुआ डालूंगा। इससे क्या होगा कि बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। अब आपने हाई फ्लेम कर देना है और हाई फ्लेम पे तमाम चीजों को तकरीबन 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से लाजमी भून लेना है ताकि दही के अंदर जो मॉइस्चर है, पालक के अंदर जो मॉइस्चर है, वो अच्छी तरह से खुश्क होकर एक प्यारी सी ग्रेवी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये वाली सब्जी बड़ी यूनिक सी है और स्पेशल बिल्कुल न्यू सब्जी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घर में इसको एक दफा जरूर ट्राई करिएगा, सबको ये बहुत पसंद आएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे जनाब। अगर अभी तक आपने अपने भाई, अपने शेफ, अपने इमरान उमर, अपने खादम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जनाब आज आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और प्यारे प्यारे जो आपके स्वीट से फैमिली मेंबर है ना, फ्रेंड के साथ आपने लाजमी इसको शेयर कर देना है। तो चले जी 3 से 4 मिनट पे हाई फ्लेम करके अच्छी तरह से तमाम चीजों को भून लेते हैं। तो माशाल्लाह देखें, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे तमाम चीजों की अच्छी तरह दिल लगा के हमने भुनाई की है। माशाल्लाह देखें, बड़ी जबरदस्त ग्रेवी के साथ पालक की सब्जी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो नमक मैंने और इसमें शामिल कर दिया। तो अच्छे से एक दफा इसको हिला लेंगे। अब जनाब इसके अंदर डालेंगे, ये है मेरे पास भिंडियां, जिसको हमने पहले स्टार्टिंग में फ्राई करके रखा हुआ था। तो चलिए जी भिंडियां शामिल कर दी। भिंडियों के साथ ही एक बड़ा कप भर के इसमें फ्रेश सब्ज धनिया शामिल करेंगे। इससे जनाब बड़ा मजे का एक टेस्ट आएगा और खुशबू की तो बात ना करें। अब अपने प्यारे हाथों के साथ एक दफा अच्छी तरीके से आपने तमाम चीजों को ऐसे मिक्स कर देना है ताकि पालक, भिंडी, मिर्च मसाले, धनिया, अच्छे से सब्जी एक दफा मिक्स होके प्यारी सी ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। देखिए माशाल्लाह अभी से कितनी खूबसूरत और लजीज तरीन सब्जी तैयार हुई है। सब्जियों की तरह तरह की रेसिपीज आप घर में बनाते रहा करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी भी लगेंगी। जरूरी नहीं कि चिकन, मटन, गोश्त और मछली से ही रेसिपी अच्छी बनाई जाए। आप सब्जियों को डिफरेंट तरीके से ट्राई किया करें, इंशाल्लाह ताला कुछ नया और मजेदार आपको खाने को मिलेगा। अब जनाब बारी है इसके ऊपर ढक्कन लगाने की। ढक्कन लगा के मजीद 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि तमाम चीजों का फ्लेवर अच्छे तरीके से मिक्स होके एक प्यारे से टेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। 2 मिनट दम लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जनाब, ओए होए जो खुशबू आई है ना, यकीन करें कमाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सादा सी रेसिपी है लेकिन खुशबू जनाब कमाल की आई है। और कलर लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ले जनाब देखें, जबरदस्त भिंडी और पालक की सब्जी कितनी बेहतरीन तैयार हुई है। सादा सी रेसिपी है लेकिन बनती कमाल की है, एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मजेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ तो आपने लाजमी शेयर करना है। कल फिर मिलेंगे नई और एक मजेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक अपने शेफ, अपने भाई, अपने खादम इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत। ढेर सारा प्यार,
दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।